अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वधिज का प्रणाम। नमन मित्रों, आजकल जो है अधिकतर समस्याएं जो मेरे पास प्रश्न आते हैं, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें अधिकतर समस्याएं होती हैं गृह क्लेश की और रोग की। रोग और क्लेश ये दोनों चीजें घरों के अंदर मैंने अधिकतर देखी, इन्हीं से संबंधित सवाल जवाब हमारे होते हैं अक्सर। इससे संबंधित एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, गुरुमुख से सुनमा गुरुवाणी से सुना हुआ उपाय है, अवश्य आपको असर करेगा। आदत डाल लीजिए। पहला, जब भी आप अपने घर में रोटी बनाते हैं, आपकी महिलाएं घर में जब रोटी बनाती हैं तो आटा और आटे के साथ पानी में भूजती है ना, किससे, पानी के साथ, उसमें थोड़ा सा, उसमें एक दो टेबल स्पून उसके अंदर कच्चे दूध की डाल लें, उसी आटे के अंदर कच्चा दूध एक दो स्पून उसके अंदर डाल के उस पानी के अंदर रसम के लिए उस आटे की रोटियां बनाइए। उस भोजन को सबसे पहले अपने भगवान को भोग लगाइए, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए उन रोटियों का, उसके बाद सह परिवार उन रोटी को आपको खाना है। दूसरा, आटे के अंदर आपको थोड़े से चने, थोड़े से एक मुट्ठी चने, जैसे अब आप एक कनस्तर भर के आप आटा बनवाते हैं अपने घर के लिए, गेहूं पिसवाते हैं, तो उसके अंदर एक मुट्ठी, उसके अंदर मुखिया जो है अपना एक मुट्ठी उसके अंदर काले चने उसको मिलाकर उसको पिसवा कर उस आटे की रोटियां आप खाएं। दोनों चीजें मैंने बता दी, आटे के अंदर क्या मिलाना है और पानी के साथ क्या मिलाना है, दोनों चीजें आप करके देखिए। अपने भगवान को पहले भोग लगाइए, जो भी आप घर में मंदिर हो उस रोटी के साथ लहसुन प्याज का आप प्रयोग करते हैं घर के अंदर, तो फिर लहसुन प्याज वाली सब्जी ना चढ़ाएं उनको। इससे अच्छा है कि रोटी के साथ कोई गुड़ घी या शक्कर घी या इस प्रकार से मक्खन, इस प्रकार से आप कुछ भी भगवान को भोग लगाकर उसके बाद उन रोटियों का आप सेवन करें पूरे परिवार के लोग। धीरे धीरे गृह क्लेश और रोगों में धीरे धीरे आपको बिल्कुल लाभ दिखाई देने लग जाएगा। इतना ही था। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश वधिज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।